नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। दोस्तों, लाल घंटी दबाना है आप ना भूलें, जाकि जब भी हम कोई वीडियो भेजें तो आपके पास हमारा वीडियो बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने सेम लिए हैं आधा के जी, तो सेम को हम चल रहे हैं आज सब्ज़ी बनाने के लिए। इसका सब्जी बहुत टेस्टी होता है, तो इसको देख रहे हैं जैसे नरम हमारा बिल्कुल है एकदम। आज ऐसे देखते हैं कि मिलते हैं एक मोटे टाइप में सेम, तो उसका सब्जी बहुत कड़ा टाइप में होता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इसको ले रहे हैं, तो छिलके उतार ले रहे हैं पहले। आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्जी इसका होगा। इसको जैसे देख रहे हैं नस को हम इसी तरह से छिलके उतार लें, इसको छिलने पर इसी तरह से रोल टाइप में निकलता है इसमें से, तो हम इसको छिलके इसी तरह से उतार ले रहे हैं पहले। तो इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे आप, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से पहले छिलके उतार लीजिए इसका। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह से हम इसका छिलके उतार लिए हैं। अब सभी छिलके इसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि राई सरसों हमने एक चम्मच लिए हैं, एक चम्मच राई सरसों लेकर हम इसको पीसने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे लहसुन डालेंगे इसमें हम, जीरे इसमें आधे चम्मच जीरे डाल लिए हैं, इसमें चार पांच और लहसुन को हम डाल लेंगे। लहसुन को इस लेकर हम इसको मसाले हम पीस लेंगे सिलबट्टे पे। तो आप जब भी इसकी सब्जी बनाइए तो थोड़ी ज़रूर कच्चे मसाला इसमें डालिए पीसकर। जैसे देखें राई सरसों जीरे और लहसुन इसमें हम पीस ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं गैस पे हम कढ़ाइयों को रख दे रहे हैं, लहसुन के छिलके उतार कर अब गैस पे हम कढ़ाइयों को रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें हम तड़के लगाएंगे, राई सरसों आधे चम्मच डाल दिए हैं, राई सरसों आधे चम्मच डालकर इसमें देख रहे हैं आधे चम्मच हींग, हींग को डाल दिए हैं अब हम। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हम प्याज को भी डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से हम भून लेंगे। एक छोटे साइज में प्याज हम काट कर इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जैसे देख रहे हैं हम मसाला पीस लिए हैं, तो एक चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला इसमें हम डाल के मिला लिए हैं। अब सब्जी को हम भून ले रहे हैं पहले। इसको जैसे देखते हैं आप हल्के से उबाल के भी बना सकते हैं, बाकी भूजने वाला का टेस्ट और अच्छा लगता है सब्जी खाने में। इसको मीडियम आंच पे हम अच्छे से इसको पकाएंगे पहले। अब देख रहे हैं हमारा अच्छे से भुना गया, इसका कलर भी बहुत अच्छे से आगे चेंज हो गया है। अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं मसाले डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए हम कि एक छोटे साइज में प्याज पीस के रखे थे उसको भी डाल दिए इसमें। इन सभी चीज़ों को डालने से झोल बहुत गाढ़े हो जाता है। अब यहाँ मसाले भी डाल दिए हम। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे पहले। अब यहाँ पे भून लिए हैं, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर भूनेंगे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि हमारा अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब इसको ढककर हम भूनेंगे अच्छे से। अब मसाले में थोड़ी सी पानी डालेंगे, या कि मसाला हमारा नीचे से धरे ना। अब इसमें एक चम्मच हल्दी डाल दिए हैं, तो चम्मच जैसे देखते हैं बड़े छोटे में साइज में होता है, तो छोटे चम्मच से हमने एक चम्मच हल्दी इसमें डाले हैं। अब इसको खोल ले रहे हैं पहले। अब खोलकर इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार से हम डालेंगे। अब कितनी अच्छी सब्जी का कलर भी हमारे आ गया। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। जैसे देखते हैं प्याज पीस के डालने पे बहुत अच्छे से सब्जी बहुत गाढ़ा हो जाता है झोल इसका। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर छोटे साइज में एक पीस के रखे हैं, अब इसको भी डालनी है इसमें। इन सभी को डालने पे बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। अब मिक्स कर लिए इसमें हम। अब इसको हम ढक के पकाएंगे पहले अच्छे से, उसके बाद इसमें हम पानी 1 कप डालेंगे।
अब अच्छे से देख रहे हैं मसाला हमारा भुना गया है, तो 1 कप पानी इसमें डाल ले रहे हैं हम। अब इसको हम ढक लेंगे। पहले भी धनिया पत्ती डाल रहे हैं इसमें। अब धनिया पत्ती डालकर इसको हम अच्छे से पका लेंगे, तो बहुत अच्छे सब्जी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से सब्जी बनाने पे बहुत टेस्टी भी होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब इसको हम ढक के खोल दे रहे हैं। इसको देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छे से बन गया। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालकर एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। तो कच्चे मसाले की सब्जी बहुत टेस्टी होता है। अब एक बोल लेंगे, उसमें हम निकाल ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमने बॉल में निकाल लिया सब्जी को, तो देखने में देखिए कितना अच्छा हमारा लग रहा है। सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाल घंटी आप दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके पास भेजें तो हमारा वीडियो बहुत आसानी से पहुँच जाए। फिर हम आपसे नई रेसिपी के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।